अभी आ चुके हैं हम रायपुर थाना मयूर विहार चौकी के पास। गर्मी कितनी है भाई? गर्मी बहुत है भाई जी। जी राणा भाई के रूम पे जा रहे हैं जो हमारा बर्थडे बॉय है। यार मेरे भाई धोखा देना होता तो मैं फोन नहीं करता। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने घर में व्यस्त होंगे। तो आज एक नए व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। मेरा नाम है राहुल रावत, मेरे चैनल का नाम है उत्तराखंड का लड़का और मैं व्लॉग करता हूँ उत्तराखंड के नेत्री खूबसूरत गाँव से। लेकिन जो ये वाला व्लॉग भी शुरू हो रहा है ना, ये भी देहरादून से शुरू हुआ है। आपको पता है भाई कि अभी भी वो प्रॉब्लम, जो बाइक की प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी भी भाई वो प्रॉब्लम कंटिन्यू है। तो अब ये डिसीजन ले रहे हैं कि अब भाई पे हमें मजबूरी में केस करना पड़ेगा। कॉल नहीं उठा रहा है, ठीक है, और इग्नोर करे जा रहा है, और झूठ पे झूठ अलग, रिकॉर्डिंग आपको बताइए, बहुत सारी रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होंगी, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं भाई केस करने के लिए, ठीक है, नज़दीकी कहीं चौकी में जाएंगे। अभी आ चुके हैं हम रायपुर थाना मयूर विहार चौकी के पास, और यहाँ से ना एक बार लास्ट टाइम भाई को कॉल करने वाले हैं। अगर कॉल उठा के कुछ रिस्पांस देता है तो ठीक है, अगर नहीं कॉल उठा के कुछ रिस्पांस आता है तो हम केस करने वाले हैं। चौकी में आपको दिखाता हूँ, जस्ट मेरे पीछे है, तो जस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। तो एक बार कॉल करते हैं, नंबर यहाँ पर डायल कर दिया है, स्पीकर खोलना। तो चलो जी, स्विच ऑफ आ रहा है क्योंकि स्विच ऑफ जानबूझ के कर रखा है भाई ने। तो कोई बात नहीं, हमारे पास लास्ट ऑप्शन है केस करने का, अब जो होगा भाई यही देखा जाएगा। अंदर सर से हमने पूछा है ना, तो सर कह रहे हैं कि जहाँ पे जो आपका एक्सीडेंट जोन है ना, आप वहाँ के नज़दीकी थाने में शिकायत कर सकते हो और वहाँ पे ना आप केस कर सकते हो, और उस रिगार्डिंग वो बताएंगे कि क्या प्रोसेस या क्या प्रक्रिया उसके बाद होनी। केस करने के लिए तो हम अपने उत्तरकाशी में ही कर देते जहाँ एक्सीडेंट जोन है, लेकिन जो गाड़ी है ना भाई बुलेट है वो दूसरे की, वो देहरादून में चल रही है और वो देहरादून में ऑलरेडी रहता है, तो इसलिए हमने सोचा कि देहरादून में केस कर दें। इस तो ऊपर उत्तरकाशी में भी करेंगे जहाँ पे एक्सीडेंट जोन अपना। हाँ हाँ आपकी वो वाली रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास जिसमें आपने कहा है कि फिलहाल मैं 10,000 डाल रहा हूँ, 10,000 से ज़्यादा जो भी बिल आएगा मैं वो भी पे करूँगा। नहीं 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 नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँगा आपको। आपने कहा मैं अभी 10,000 डाल रहा हूँ, 10,000 के बाद जो भी एक्स्ट्रा लगेगा आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं वो डाल दूँगा। अरे मेरे भाई, मैंने पता क्या कहा था, मैंने कहा था 10,000 से कम आएगा ना तो मैं आपके पैसे वापस कर दूँगा। उसकी 10 तारीख के बाद नहीं, 10 तारीख तक। 10 तारीख को बोले 11 रुपए फारा दर्द जाएगा हैं? 10 से 11 नहीं होना चाहिए। हाँ 10 तारीख ठीक है। चौकी में गए थे, बातचीत भी करी है और उसका फोन भी आया था तो बात कर ली थी हमने। सर बैठे हुए थे पुलिस चौकी में, उन्होंने भी बात कर ली थी, तो उनके कहने पे ना, उनके कहने पे मतलब 10 तारीख तक का टाइम दिया है कि 10 तारीख को वो पेमेंट कर देगा। अब हम उसे कॉल भी नहीं करने वाले क्योंकि जब सर ने बोल दिया 10 तारीख तक पेमेंट करनी है पूरी जितनी भी उसने बोली है, तो 10 तारीख तक वो पेमेंट कर देगा, उससे पहले हम उसको कॉल भी नहीं करने वाले। बाकी कुछ रिकॉर्डिंग भी हुई थी वहाँ पे, वो भी आपने सुन ली होगी। तो अभी ऐसा है कि अभी रूम की ओर जा रहे हैं, गर्मी ना इतनी भयंकर हो रही है देहरादून में कि मतलब बाहर निकलना बहुत मुश्किल है भाई, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है। तो यहाँ पर अभी किराने की दुकान पर आए हैं, यहाँ से थोड़ा सा ठंडा ठंडा लेके जाने वाले। गर्मी कितनी बात है भाई? गर्मी बहुत है भाई जी, ये कोल्ड ड्रिंक तो शरीर मांग रहा है, और गर्मी इतनी हो गई है, लू चल रही है देहरादून में। ये देख रहे हो भाई, पूरा बर्फ बना हुआ है, बर्फ बना है, ये ऐसी जरूरत है देहरादून में आजकल। हमने भाई से चिल्ड मांगी, भाई ने ऐसे चिल्ड दे दी, मतलब पूरा ही चिल्ड कर दे, जो है आइस क्यूब का काम करेंगे, कोल्ड ड्रिंक का काम भी करेंगे। जी राणा भाई के रूम पे जा रहे हैं जो हमारा बर्थडे बॉय है, स्टोरी देखी होगी आपने। बर्थडे बॉय खोल रहा था तो देखते हैं अभी दरवाजा खुलाते हैं। बर्थडे बॉय अंदर है, अभी बर्थडे बॉय दरवाजा खोले। आप देख सकते हो देहरादून में ना, हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे, अब बहुत ज्यादा गर्मी हो, कूल चिल्ड लेके आए हैं देख रहे हो, जिसमें कि अभी आइस क्यूब का काम करेगी ये, इसको लगा ले शरीर पे। ना लगा दिया। तो हम तो आए थे नीतीश राणा से मिलने, बर्थडे बॉय हमारे नीतीश राणा जी, लेकिन नीतीश राणा यहाँ पे है नहीं,
कहाँ जा रहा नीतीश? कहाँ जा रहा? तो उसका कोई पता नहीं है भाई बर्थडे बॉय का, मतलब अगर उसने धोखा दे दिया ना, अगर चुपके से बर्थडे मनाने गया होगा तो उसको बताएंगे शाम को, क्योंकि उसको फोन करके बोला हुआ था तो उसने बोला शाम को मनाते हैं कि मस्त बर्थडे। तो एक दो क्लिप अगर मनाया तो क्लिपें आपको देखने को मिल जाएगी राणा जी की बर्थडे की। अच्छा, अरे मैं गया नहीं रूम पे वापस अभी ना। क्या कह रहे हो? मैं वापस गया नहीं रूम पे अभी ना। उसको बोल देना यार गलती से हो गया। अभी मैं बोल दूंगा उसको कि बात हो गई है और वहाँ पे अभी जो भी बात हुई है टाइम दे रखा है, अभी कुछ नहीं करना फिलहाल। हाँ यार मैं भी नहीं चाह रहा कि इसकी नेगेटिव को पता लगे ना। कोई बात नहीं, नहीं वो उस टाइम इसलिए कर रहा होगा ना क्योंकि जब फोन नहीं उठा रहे थे तो उस टाइम पता करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई अगर ऐसे धोखा दे रहा है तो पता तो करना ही पड़ेगा कि कहाँ है क्या है। अगर देखो यार मेरे भाई धोखा देना होता तो मैं फोन ही करता। सबसे बड़ी बात ये है ना, सुनो मेरी बात, सबसे अपनी कंडीशन बताई ना मेरे भाई। नहीं बताई, सबसे पहले आपने ये बताना था कि मेरे भाई हो नहीं पा रहा। हाँ मैंने बोला शोरूम ले जानी पड़ेगी गाड़ी, बाकी वहाँ देख लेना जितना भी होगा। चलो कोई नहीं यार, वो जो भी है ना उसको बोल देना। मना कर दूंगा मैं क्योंकि अभी मैं रूम नहीं गया ना, उधर नहीं जा रहा था मैं चौकी में, तो अभी रूम वापस नहीं गया मैं, वो मेरे गांव का ये छोटा भाई है मेरा। चलो कोई, तो मैं उसको बोल दूंगा कि बातचीत हो चुकी है, अभी सॉर्ट आउट है 10 तारीख तक के लिए फिलहाल मामला, अभी फोन मत करना, किसी को पता करने की कोशिश मत करना। ठीक है भाई, ठीक ओके।